फिर मैं तुहानू बीमार सोच चो बाहर आण दा एक गोल्डन फार्मूला दिता होया, जिहड़ा चार स्टैप फार्मूला है वह एक गोल्डन फार्मूला है। जे तुहाडे अंदर कोई भी बीमार सोच आनी है उस चीज़ नू तुसी किवें उस तो आज़ाद हो सकते हो। पहली गल ते तुसी ट्रेनिंग किस चीज़ की लैनी, ट्रेनिंग इस चीज़ की लैनी है कि तुसी बीमार सोच नू आइडेंटिफाई कर लो। सानू यही नहीं पता लगता कि साडे अंदर जिहड़ी है सोच चल रही है बीमार है तो इन्हें नुकसान किन्ना करना, बस असी उस नाल लड़ी जा रहे हैं। जदों ये बीमार सोच सानू बेचैनी देंदी है ना, ये परमात्मा की मतलब बनी हुई बेचैनी है जिहड़ी कि सानू तैयार करेगी इहदे एक्शन लैण वास्ते। जे बीमार सोच सानू बेचैनी ना देवे ना, ये बीमार सोच सानू खत्म कर देगी पर असी कदी भी इहदे अगेंस्ट एक्शन नहीं लै सकांगे। अज के दिन साडा एडवांटेज ये है कि जे असी चार स्टैप फार्मूला मेरेकल फार्मूला है, पहली गल ये कहनी है कि ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है। ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरे बीमार दिमाग की सोच है। अपने आप को इस सोच तो अलग कर लेना, क्योंकि जिनी देर तक तुम इस सोच को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने तो अलग नहीं करोगे, तुम इसका हल नहीं कर सकोगे। पहला पॉइंट ये है। दूजा पॉइंट ये कहना है कि ये मेरे दिमाग ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख लिया, ये जिहड़ी सोच है जिहड़ी पैदा होंदी पई है इस करके आंदी पई है क्योंकि लंबे समय तो मेरे दिमाग दे विच इहो जिहियां सोचां आंदियां सी ते मैं इहनां नूं खुराक पांदा रहा, मैं इहनां नूं प्यार करदा रहा, मैं इहनां नूं इंजॉय करदा रहा ते अज ये मेरियां दुश्मन बन गई। जदों भी किसी सोच नूं तुसीं नर्चर करोगे वह वड्डी होई जाएगी। सानू सिर्फ दो ही काम आते हैं, जां उन्हूं नर्चर करना ते जां उन्हां नाल लड़ना। दोनों चीज़ों के नाल ये सोच होर पक्की ते होर जबरदस्त होई जाती है। अज असी फस गए हाँ क्योंकि उन्हां नूं असी पहला नर्चर किया, पहला खुराक दिती ते अज वो जदों साडे घर दे विच आ गई हैं ते हुण असी उन्हां तों नफरत कर रहे हैं। इन दोनों हालत दे विच असी बीमार होवांगे। हुण देखो जदों तुसी दूसरा ये कहना है कि मेरी सोच नहीं है, मेरे बीमार दिमाग की सोच है तो ये मेरे दिमाग ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख ली है, लंबे समय तो सीख ली है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तो मेरे दिमाग दे ने ये सोच सीख ली है। हुण तीसरा जिहड़ा काम है ये थोड़ा बहादुरी वाला काम है। तीसरा काम ये है कि मैं इन्हां सोचां तो अपने आप का पिछा छुड़ाना चाहुंदा, अपनी जान सौखी करन वास्ते, राइट। फिर उस सोच नूं कहना जिन्हों असी रोज़ अगे पूछते रहे हैं, अज उस सोच नूं टरकाना है। टरकाना बहुत ही वधिया वर्ड है, ना लड़ना है ना प्यार करना है, टरकाना है। टरकाना है उन्हूं ये है कि हुण नहीं, ठहर के तेरे नाल गल करांगे, अज नहीं कल गल करांगे। उन्हूं कहना है कि तू ठहर, मैं एक जरूरी काम याद आ गया, मैं वो करके आया। तू ठहर, मैं एक जरूरी काम याद आ गया, वो करके आया। जिहड़ा भी काम तुहानू चंगा लगता है जां जिहड़ा भी नैक्सट काम तुसी करन वाले सीगे जां तुहाडा कोई पेंडिंग काम पिया है, तुसी ओह काम करना शुरू कर दिओ। जिहड़ा पेंडिंग पिया है, जिहड़ा तुसी कर सकते हो, जिहदा तुहानू शौक है, वह कोई भी काम करना शुरू कर दिओ। एर हैरानी की गल यह है कि तुसी ओह काम 10-15 मिनट जां अद्धा घंटा करोगे तो तुसी जदों वापस आके देखोगे तो वह सोच जिहड़ी है मद्धम पई होएगी जां खत्म होई होएगी। जे वह सोच मध्यम पई है तुसी एक बारी फिर उन्हें कहना है कि मैनू एक होर काम याद आ गया, मैं हुण वह काम करन चलिया। जदों तुसी वह काम करके वापस आओगे 100% है कि वह सोच उस वेले खत्म हुई होएगी। जदों वह सोच खत्म हुई होएगी ना, फिर तुसी अपने आप नू, अपने दिमाग नू, अपने मन नू एक शाबाश देनी है, जिहड़ा कि सब तो अहम ते सब तो जरूरी स्टैप है, क्योंकि साडा ब्रेन शाबाश की लैंग्वेज समझदा, साडा ब्रेन समझ दी लैंग्वेज समझाण वाली लैंग्वेज नहीं समझता। जदों असी अपने ब्रेन नूं शाबाश देंगे ना तो साडे ब्रेन दे विच ये चीज़ आ जाएगी कि ये एक बहुत वधिया काम ते कमाई वाला काम किया, ये असली कमाई होएगी, तुहाडी कम आई, ये तुहाडे कम आएगी। जदों तुसी इस तरीके नाल इन्हां बीमार सोचां नाल डील करोगे तो इहदी प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं रोज़ प्रैक्टिस वास्ते हज़ारां तरह दीआं इस तरह बीमार सोचां आणगीआं जिन्हां नूं तुसी पालदे रहे हो, ते तुसी देखोगे कि विदिन नो टाइम
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀ ਪਈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੌਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਬੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਡਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ, 100 ਵਾਰੀ, 1000 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਆਏ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅਨਕੋਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ।